रिविजिटिंग सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रोफेशन। अभी मैंने सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन जो वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, उसी के बाद इसको देखना है, ठीक है। तो सोशल वर्क को हम भारत में पढ़ेंगे, एक कैसे आया था, ठीक है ना। तो पांच स्टेजों में आया था, ने पांच स्टेजेस में, ठीक है। तो वो स्टेजेस क्या क्या थी, पहली अगर मैं स्टेज को लूँ, इनिशिएशन स्टेज, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, जो है वो सब मानेंगे 1938 से 1946 तक मानी जाती है। दूसरी स्टेज मानी जाती है एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज मानी जाती है 1947 से 56 तक। तीसरी स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज 1957 टू 1976 तक मानी जाती है। इसके बाद जो स्टेज होती है वो होती है मॉडरेट स्टेज, मॉडरेट स्टेज जो है वो मानी जाती है 1977 से 86 तक। उसके बाद जो होती है उससे बोलते हैं एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन है 1987 से आज तक, ठीक है। तो मैंने एरो बना दिया है ब्रैकेट में 1987 टू टिल डेट, ठीक है ना। तो ये पांच स्टेज में हमने देखा सोशल वर्क का इवोल्यूशन हुआ भारत में, ठीक है। तो अब हम इनिशिएशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेंशन, मॉडरेट और एक्सप्लोजन स्टेज को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करूँ, 1936 में ये सबने पढ़ा होगा, बहुत लोगों का मन करता है टिस में जाने का, ठीक है। तो टिस ने 1936 में सबसे पहले सोशल वर्क को शुरू किया था। तो ये केवल इकलौता इंस्टीट्यूट था 12 साल तक, ठीक है, जब से इसने स्टार्ट करा। तो 12 साल तक मार्केट में और कोई इसके सामने आया नहीं था कि सोशल वर्क को पढ़ा दे, ठीक है। तो इसलिए इसने सोशल वर्क को ऐसे नहीं पढ़ाया, इसने वेलफेयर कोर्स स्टार्ट करे, तो उसको हम एक सोशल वर्क की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब सेकेंड स्टेज आई 1940, देखो क्या लिखा है, 7 to 56 होगा। तो क्या हुआ, 12 और इंस्टीट्यूट आए, अलग अलग इंस्टीट्यूट आए, ठीक है। तो उसके हिसाब के एग्जाम्पल नहीं लिखने, कुछ एग्जाम्पल लिखने, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इंदौर में आया काशी विद्यापीठ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका एग्जाम्पल दे देना, काशी विद्यापीठ में आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल वर्क आया, तो लखनऊ आपके पास है, तो ये तो आया तो 12 में, तो फॉर एग्जाम्पल इन तीनों में आया लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये आया, ठीक है ना, तो MSW इन्होंने क्या स्टार्ट करा कोर्स, MSW मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। एक MSc की डिग्री भी पहले मिलती थी, ठीक है, MA की भी मिलती थी। तो इस तरह की इन्होंने डिग्री शुरू करी जो सोशल वर्क से डायरेक्ट रिलेटेड थी, या वेलफेयर एक्टिविटी से, सोसाइटी से, ठीक है। ये लोग सीधे कहाँ रिक्रूट होते थे, किसी कंपनी में जो हमारा होता ना वेलफेयर ऑफिसर या लेबर ऑफिसर, ठीक है। तो इस टाइप की पोस्टों के लिए होती थी। दो फेस हो गई, इसमें ज़्यादा हमें लिखना नहीं है। अब आई एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन फेज जो है 1957 टू 76। इस एक्सपेंशन फेज में क्या हुआ, आपको लिखना कि जो ये इंस्टीट्यूट है ना अर्बन एरिया में चले गए। अभी मतलब कि लखनऊ तो अर्बन है, दिल्ली अर्बन है, ये अर्बन तो है लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन भी है, ठीक है ना। अर्बन का मतलब हो गया कि अब ये छोटे मोटे टीयर थ्री सिटीज में भी आने लग गए थे, ठीक है। तो इनकी संख्या पहले एक थी, फिर 12 और आए, तो अब कुल मिला के जो हुई थी 35 इंस्टीट्यूट के आसपास हो गई थी भारत में, जो सोशल वर्क में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कौन सा मॉडल फॉलो करा, वही ब्रिटिश और अमेरिकन, ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल ऑफ सोशल वर्क इन्होंने फॉलो करा। वहीं से जर्नल छपते थे, कोई कट पेस्ट करके वही बच्चों को पढ़ाते गए, वही केस स्टडी, वही चीज़, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, एक फर्स्ट रिव्यू कमेटी भी बनी थी कि सोशल वर्क एजुकेशन में क्या हुआ था। तो रिव्यू कमेटी ने भी यही कहा कि जो ट्रेनिंग जो है, जो इस सोशल वर्क में हो रही है, नॉट अप टू द मार्क हो रही है, इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस फेस को थोड़ा और रिसर्च डेवलपमेंट में लेता, लेकिन उतना उसमें इस स्टेज में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आई आपकी मॉडरेट स्टेज।
मॉडरेट स्टेट, देखो जब ये वाली स्टेट चल रही थी, एक चीज और है, एक कौन सी एक्सपेंशन स्टेज थी, थर्ड वाली, तो इस स्टेज में कुछ ऐसे आंदोलन भी चले थे कि यूपीएससी, ठीक है ना, और यूपीपीएससी में सोशल वर्क को एज ए सब्जेक्ट डालो, तो यूपीएससी में तो अभी तक नहीं आया है, यूपीपीएससी में तो आ रखा है, ठीक है ना। तो ये आया है कि जो सिविल सर्विस में, आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि एक्सपेंशन स्टेज में ये मांग उठी थी कि ये एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो और भी जो बोर्ड होते हैं, जैसे एमपी हो गया, एमपी में तो सब्जेक्ट ही हटा दिया, राजस्थान में भी हटा दिया, उत्तराखंड में भी हटा दिया, लेकिन उस समय की बात हो रही है 57 to 76, तो ये मांग उठी थी कि सब में था, तो बहुतों में था, बिहार में भी था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है कि जो 77 से 86 स्टेज थी, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, इसको सुनते जाओ, जो कॉपी में उतारते जाओ, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। मॉडरेट स्टेज जो थी, मॉडरेट स्टेज जो आई, तो क्या हुआ कि इसमें देखा गया कि जो एक स्टेग्नेशन आ गया था, स्टेग्नेशन का मतलब क्या है कि ये मतलब बूम आया, बूम, ठीक है, एक स्टेग्नेशन आ गया, ना नए ज़्यादा इंस्टीट्यूट आए, ना कुछ नए डिपार्टमेंट खुले, वही चलता रहा। तो इस मॉडरेट स्टेज को हम बोल सकते हैं कि ये स्टैग्नेशन की भी स्टेज थी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टैग्नेशन की, मतलब रुकावट, की कोई ज़्यादा काम हुआ था नहीं हमारे उसमें। अब भाई एक्सप्लोजन स्टेज, एक्सप्लोजन स्टेज 19 कब हुई थी, 87 से टिल डेट। तो 1987 के बाद देखा कि बहुत सारी, देखो हमारी जो है एजुकेशन में लिबरलाइजेशन भी आने लग गया था, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ सोशल वर्क को पढ़ाने लग गए। लेकिन एक गलती ये हो गई कि इनके ऊपर चेकिंग अथॉरिटी कोई जो थी यूजीसी, उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने जो कुरिकुलम लिया, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है। ड्रॉबैक ये थे कि ट्रेनिंग कहीं प्रॉपर हो भी नहीं रही है, बच्चा 6 महीने के लिए अटैच हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के लिया, ये मान लिया, उसे डिग्री दे दी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत बन रहे थे ना, मशरूम होना, गुरमुत्ता वाला, तो मशरूमिंग ऑफ सोशल वर्क होने लग गई, हर कोई सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट खोलने लग गया, तो उससे हमारी क्वालिटी क्या हुई, डेटरियोरेट हुई, ठीक है। और उसको हम आज भी देख रहे हैं कि एक 3-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो उसमें सोशल वर्क क्या हो रहा है, बच्चे जाते हैं ना ट्रेनिंग में ना क्लास में, और सोशल वर्क की डिग्री लेके आ जाते हैं। और कभी कभी उस यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास भी यूपीपीएससी कॉपी चेक, नहीं, उनके टीचरों के पास यूपीपीएससी कॉपी चेक करने भेज देता है, तो फिर भगवान राम ही आपका मालिक है कि उस समय क्या हो, ठीक है ना। लेकिन अभी भी लखनऊ में बहुत अच्छा है, दिल्ली में बहुत अच्छा है, ठीक है, काशी विद्यापीठ में भी बहुत अच्छा है, इंदौर में भी बहुत अच्छा है, टिस में भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अगर कॉपी भेजते हैं तो तमीज़ से भी चेक होती है, ठीक है। तो यूजीसी की थोड़ी हम कमी बताएंगे कि यहाँ पे यूजीसी थोड़ा कमज़ोर रह गई, ठीक है, सीए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल वर्क का एजुकेशन पूरे इंडिया में हुआ। अब इसमें क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल कहाँ तक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशन कैसे, ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क, ठीक है, इस पे मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क पे। तो ऑक्यूपेशन को आपको सबको पता है, एक तरीका ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, खुद देख लेना, हिंदी मेरी कमजोर है, व्यवसाय होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक तरीके से व्यवसाय के रूप में सोशल वर्क को हम देखेंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि सोशल वर्क का देखो कहाँ कहाँ जा सकता है, हेल्थ इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल इंडस्ट्री बोल दें, ठीक है, मतलब पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग सब हो जाएगा, और कहाँ जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल में क्या काम होगा वो भी मैं बताऊंगा अभी, और कहाँ जा सकते हैं, सोशल वेलफेयर एजेंसी में जा सकते हैं, एनजीओ में जा सकते हैं, ठीक है, वीओ में जा सकते हैं, वीओ क्या होता है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सोशल वर्कर को हम एज ए ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे, अलग अलग जगह क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊँ, तो सबसे पहले मैं उठा देता हूँ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडस्ट्रीज में अगर कोई डिग्री लेता है तो कैसे अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट करेगा, तो जो लेवल वेलफेयर ऑफिस का जो एक नियम था कि जहाँ पे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ फैक्ट्री, मतलब ऐसी फैक्ट्री जहाँ 500 से ज़्यादा लोग हैं, और ऐसा प्लांट, फैक्ट्री से जो प्लांट जो होते हैं जहाँ 300 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। और लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है, MSW मांगते हैं इसमें, ठीक है, सोशियोलॉजी भी मांगते हैं, एक तरीके से हमारा भी स्कोप हो गया MSW का, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर भी वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसको बताना नहीं है कि ऑक्यूपेशन है, ये तो पता चल गया लेबर वेलफेयर ऑफिसर बन जाएगा, तो एक करेगा क्या, क्या देखो, सबसे पहले वहाँ पे जो लेबर है उसको, वहाँ के लेबर को, वहाँ के
कहेगा तुम्हारे राइट्स क्या क्या है, ठीक है, तुम्हारा ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, फिर वही कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिलती है, ठीक है ना, आपकी सेफ्टी की पूरी यहाँ पे है कि बंदोबस्त नहीं है कि नहीं है, ठीक है, आपको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, आप कोई कोई क्या होती है इंडस्ट्री, उनके स्कूल भी होते हैं तो उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो एजुकेशन आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, आपका हेल्थ प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तो अच्छे PSU होते हैं वहाँ पे, सब कुछ ही मिलता है आपको, ठीक है, फिर क्या होता है आपका जो है लेबर, ठीक है ना, और जो मैनेजर है मतलब जो मैनेजमेंट स्टाफ है इनके बीच का रिलेशन कैसा आ रहा है, ठीक है, इलीगल स्ट्राइक तो नहीं करनी, ठीक है, तो ये सारी चीजें सोशल वर्कर वहाँ पे बताएगा कंस्ट्रक्टिव वे में, जिससे कि इंडस्ट्री को ही फायदा होए और जो जो वहाँ पे लेबर है उसको ही फायदा हो, तो विन विन सिचुएशन वहाँ पे करवाएगा, ठीक है, तो इसको फटाफट मैं बोल देता हूँ क्या करेगा, देखो एक तो शुरू में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे कोई जब जाता है ना इसमें पहले दिन उसको बताया जाता है कि हाँ कि ये नियम है, तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सहायता दे सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में सहायता दे सकता है किसकी, लेबर टू मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में ब्रिज काम कर सकता है, ब्रिज का काम कर सकता है, ठीक है, इंटरव्यूज लेने में काम आ सकता है, जब इंटरव्यू हो रहे हो तो एक सोशल वर्कर का बंदा बैठा दो तो वो भी चेक करता रहता है कि इसकी साइकोलॉजी का क्या है, ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटी चेक कर सकता है, ठीक है, और साइको सोशल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किससे आती है, वहाँ के इन्वायरमेंट से, तो वो उस इन्वायरमेंट पे भी काम कर सकता है, तो आप लिखो वहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो सोशियो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में काम करेगा, तो ये एक हो गया ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री में, अब हम देखेंगे मेडिकल में कैसे कर सकता है, अब देखो आप हेल्थ सेक्टर में कैसे काम कर सकते हैं सोशल वर्क के बंदे, ठीक है, सबसे पहले क्या कर सकता है जो जो भी मरीज आता है, ठीक है, वो ये मरीज है, ठीक है, ये इसकी फैमिली है पूरी, ठीक है, तो मरीज और फैमिली के बीच में जो नेगोशिएशन करना है, ठीक है ना, नेगोशिएशन इन द सेंस इमोशनल टॉक, ठीक है, वो करा सकता है, क्योंकि कभी कभी फैमिली को समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो वो फैमिली को समझा सकता है कि आप कैसा रिलेशन करें, जो आपका बच्चा जो जो भी पति भाई बहन जो भी बीमार है उसके संग करे, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और क्या कर सकता है जो पियर ग्रुप है पियर ग्रुप को समझा सकता है, मतलब आसपास जिनके संग ज्यादा उठते बैठते हैं, ठीक है, जो डायग्नोसिस हो रही है, ठीक है, ये तो डॉक्टर करेगा, तो उस डायग्नोसिस में भी सहायता कर सकता है कि अब अभी मत करो, अभी इसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, उससे क्या क्वेश्चन करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, दवाई दी कैसा फीडबैक लेना चाहिए, तो डॉक्टर के संग ये उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, जब मान लो सही हो गया तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होगा जो भारत में बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे मरीज जो होता है बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाया जाता है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब ये नहीं है कि सही हो गया किसी उसे उसे किसी ग्रह में डाल दिया सहायता में वहीं पे रहना, रिहैबिलिटेशन बोलता है उस माहौल को दोबारा बूस्टअप करना जिससे कि जिसकी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसको रीगेन कर दे, ठीक है, फिर क्या कर सकता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, जब सही हो जाएगा कि भाई तू ये एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकता है, तो ये हुए हेल्थ का मतलब नहीं उसको दवाई दे के सही कर देना अस्पताल से घर भेज देना, उसे ऐसे सही करना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ठीक है, तो डॉक्टर के काम तो यहीं तक होगा, ये जो सारा काम कौन करेगा सोशल वर्कर, ठीक है, इसलिए अमेरिका में और ब्रिटिश में देखो वहां से हमने कट पेस्ट तो किया सोशल वर्क का पूरा सिलेबस, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली कट पेस्ट नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि वहां पे देखोगे वहां पे अस्पताल में आप कोई भी मरीज जाता है ना तो हर अस्पताल में आपको सोशल वर्कर का MSW करा हुआ बंदा मिलेगा जो आपकी काउंसलिंग करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपको आपका ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, माइनर ऑपरेशन चल रहा है, सामने पिक्चर चल रही है, हंसते हंसते सारा काम हो रहा है, ठीक है ना, तो जैसे मुन्ना भाई MBBS में दिखाया था, ठीक है, तो उसी टाइप का माहौल होता है, तो सोशल वर्कर क्या करता है इसे करता है इजी फास्ट रिकवरी होती है, ठीक है, और वो बंदा अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है, तो ये सोशल वर्कर वहाँ पे बैठे रहते हैं सब कुछ समझाते हैं, लेकिन भारत में आज ये होगा नहीं, यहाँ पे तो बस नर्स देखो वो उसकी देख के भी आप टेंशन में हो जाएंगे, वो आपको ऐसे ट्रीट करेगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं करी, ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में हमारा ऑक्यूपेशन तो है ये मानेंगे हम, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो कि जरूरी नहीं हर कोई वहाँ पे आए तो वो
बेड पे बीमारी मिले कि उसका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ जो डेली बुखार उखार के लिए आ गए चले जाते हैं 5-10 मिनट के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है, तो उनके लिए क्या कर सकता है? देखो उनको क्या कर सकता है, देखा चलो ये बंदा आ रहा है, ठीक है, तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉब एजुकेशन दे सकता है कि तुम ये खाओ, इससे प्रोटीन मिलती है, इससे जिंक मिलता है, ठीक है, और क्या कर सकता है उसको, वाटर सैनिटेशन, देखो आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस कोई लोग बार बार आ रहा है डायरिया से, तो उसे पता चलता है भाई तेरे यहाँ टॉयलेट है कि नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान देख ले, वहाँ पे टॉयलेट है लगवा ले, तो ये सब चीज़ें दे सकता है उसको, हेल्थ एजुकेशन दे सकता है, ठीक है, और क्या दे सकता है, सेक्स एजुकेशन दे सकता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में दे सकता है भाई कि क्या फैमिली आपको प्लानिंग करनी है, कब बच्चे में अंतर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता सकता है डेली, ठीक है, और जो लेडीज़ की है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, ठीक है, इसके बारे में दे सकता है, देखो जो हमारा IMR और MMR, ठीक है, इसी से पूरा भारत जूझ रहा है ना, तो देखो इसमें हम अगर सोशल वर्कर को लाएं तो वो एक चीज़ बता सकता है पूरा रास्ता, हालांकि आशा वर्कर भी तो कर रही हैं, ठीक है, तो इनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें इतने इफ़िशेंट वे में नहीं कर रही, क्योंकि वो आशा वर्कर जो होती हैं कैसे बनती हैं उसमें कुछ ये नहीं होता कि आप सोशल वर्क की डिग्री लें, यहाँ ये प्रोफेशनल डिग्री वाले बेटर रहते हैं, इनको यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम कहाँ तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कर सकता है, और क्या कर सकता है कि उनको क्या कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है ना, शादी से पहले की काउंसलिंग, ये सब इस टाइप की चीज़ें कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो हेल्थ सेक्टर में इतने ज़्यादा हमारा ऑक्यूपेशनल स्कोप है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में एक साइड वाइज एक और ये चीज़ आती है साइकेट्रिक, ठीक है, इसमें तो लोग जाते ही नहीं है, सोचते हैं पागल हैं कि हम जाएं, बल्कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप जाओ, ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो कहता है वो ना बहुत सारी बिहेवियरल अप्रोच कराता है, ठीक है ना, और क्या कराता है वहाँ पे थेरेप्यूटिक अप्रोच कराता है, तो यहाँ पे सोशल वर्कर बहुत सहायता दे सकता है, ठीक है, जब हम पूरा सोशल वर्क पढ़ लेंगे तो पता चलेगा बिहेवियरल अप्रोच थेरेप्यूटिकल अप्रोच तो उसके दाएँ हाथ का गेम है, लेकिन अफसोस यही है कि साइकेट्रिस्ट के यहाँ आप सोशल वर्कर को शायद ही ढूंढ पाओगे, ठीक है, ग्रुप थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी होती है, ट्रांसफेरेंस थेरेपी होती है, तो ये सारी थेरेपी इसके बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्टर में एज ए ऑक्यूपेशन कैसे है, एजुकेशन सेक्टर में सोशल वर्क एज ए ऑक्यूपेशन, देखो अब कैसे करेंगे, आजकल आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि 5 क्लास के बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को 2 गोलियां मार दी, गुड़गांव नोएडा में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बच्चे ने बच्चे का खून कर दिया, नाम लगा दिया ड्राइवर का, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो क्या कमी है, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, वहाँ पे क्या है बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो सोशल वर्कर की फिर से डिमांड है, लेकिन उस बारे में कोई न्यूज़पेपर नहीं लिखता है, यही तो अफसोस है भारत में, अब देखो एजुकेशन में हम कैसे कर सकते हैं, वो एज ए काउंसलर कर सकता है, ठीक है, और कैसे काम कर सकता है वहाँ पे, तो बच्चों का ना एटीट्यूड, ठीक है, एक चीज़ अपने एक एप्टीट्यूड समझने भी बहुत जरूरी है, ठीक है, बच्चों का एप्टीट्यूड कैसे समझता है, इसमें सोशल वर्क करते हैं, तारे जमीन पे थी, हाँ वो जिसमें बच्चा पागल सा हो जाता है आमिर खान की, ठीक है, तो उसमें क्या था, आपने देखा होगा आमिर खान आता है वो बच्चा हमेशा उल्टे वर्ड लिखता है, मिस कर देता है वर्ड को, ठीक है, स्पेलिंग में कुछ ए जैसे एलिफेंट होती है तो ELEPH के बाद PH खा जाता है ANT लिख देता है, इस टाइप की हरकतें करता है, एप्पल का PP उड़ा देता है, तो जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है ये टीचरों की बस की बात नहीं है, ठीक है ना, जो आपके BEd MEd करके टीचर बन गए इनके बस की बात नहीं है ये सब करना, वहाँ पे हमें सोशल वर्कर चाहिए कि वो देखे उसको समझे कि वहाँ पे उसको कौन सी थेरेपी चाहिए, उसे कॉग्निटिव थेरेपी चाहिए, ठीक है, या काउंसलिंग थेरेपी चाहिए या ट्रांसफरेंस थेरेपी चाहिए, इन सब थेरेपी में इसका आंसर है, तो आमिर खान भी उसका आंसर निकालता है, वो उसके माँ बाप को बताता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तब जाके उनको पता चलती है, ठीक है, तो बच्चों का एप्टीट्यूड चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आज 8th में बच्चा चले गया लेकिन अभी भी ये नहीं बता पाता है कि ये ट्राइंगल है कि ये सर्किल है, इसके एरिया का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि ये पाई क्या है, ठीक है, 10th में आगे पास चलता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, तो उसको समझाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सोशल वर्कर होना चाहिए वहाँ पे एप्टीट्यूड समझाने के लिए, तो इसको आप बहुत बड़े रूप में लिख सकते हो साइको सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, साइको
अब क्या है, दो बच्चों में लड़ाई होगी, सिक्स्थ के बच्चे ने एट्थ के बच्चे को झापड़ मार दिया, इसने अगले ने इसको चाकू मार दिया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं साइको सोशल प्रॉब्लम है। साइको तो है ही बच्चे, सोशल प्रॉब्लम यह है, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक है बहुत अमीर घर से, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो है गरीब घर से, ये इसको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो इसको कौन समझ रहा है, टीचर थोड़ी समझ रहा है, तो वहाँ पे एक काउंसलर होना चाहिए जो इस चीज़ों को भी समझे, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे उसमें, ठीक है। तो साइको सोशल प्रॉब्लम्स को समझेगा कौन, जिसको पता हो साइको सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, और आप लोग पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा समझा सकते हो उनको, ठीक है। और क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है स्कूल कुरिकुलम, ठीक है। आजकल जितने भी ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल रहे हैं, मेरे को लगता है उनमें ये तो बहुत ज़रूरी है, स्कूल करिकुलम, ठीक है ना, और स्टूडेंट की जो नीड है, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। बच्चे को इतना कोर्स दे देते हैं, इतनी किताबें देते हैं कि बच्चों का सेल्फ तो खत्म हो जाता है। फिर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इनोवेशन आना चाहिए एजुकेशन में, कहाँ से आएगा भैया इनोवेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ ग्राउंड लेवल में हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी फिर आप ले सकते हो लैंग्वेज डिफिकल्टी, कोई गाँव से आ रहा है तो उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, टीचर उसे मारे ही मारे जा रहा है, समझा नहीं रहा कि भाई क्या क्यों समझ में नहीं आ रही, तो उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे उस तरह का टॉनिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक निगेटिव पनिशमेंट का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना, बच्चे को ऐसा पनिशमेंट देना जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, और बच्चा उसे किसी और रूप में ले जा रहा है, ठीक है ना। मान लो ये बच्चे ने होमवर्क नहीं करा, मैथ का होमवर्क नहीं करा, तो उसको भाई उसको समझा, भाई तूने मैथ का नहीं करा, ये गुणा ऐसे नहीं होता, भाग ऐसे नहीं होता, ये नहीं करते, उसको उल्टा नेगेटिव पनिशमेंट दे दिया कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया, तेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है क्या, ये है वो है, तो ये सब बोलते हैं नेगेटिव पनिशमेंट इस टाइप का देना। तो ये भी आजकल बहुत चल रहा है, क्यों, क्योंकि RTI में मार तो सकते हैं नहीं, लेकिन मुंह से तो मार सकते हैं ना, बातों से, तो बातों से मारा जा रहा है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी पड़ेंगी एज ए एजुकेशन में, बहुत ब्रॉड में रूप में लिखा दिया, और ये बहुत जरूरी, इसको लिखोगे ना जो मैं बोला है उसका दिल खुश हो जाएगा कि बच्चे ने पकड़ा है कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, और सोशल वर्कर के लिए एज ए ऑक्यूपेशन कहाँ तक ये हो सकता है, ठीक है। इसी में हम थोड़ा और ले लेते हैं, एजुकेशन से अलग है लेकिन जुवेनाइल की तो आजकल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठीक है। तो जुवेनाइल वाले में क्या कर सकते हैं हम, जो जुवेनाइल जो क्या कहते हैं वेलफेयर एजेंसी होते हैं, बच्चे होते हैं जो क्राइम कर देते हैं, ठीक है, 3 साल की सजा होती है, वहाँ जाके उन बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, आप देखोगे ये बैगर आपको बहुत मिले तो बोलते हैं भिखारी, तो हम एंटी बैगरिंग प्रोग्राम में सहायता दे सकते हैं, जो भिक्षावृत्ति है पेपर 2 में पढ़ेंगे हम, ये जो है लीगल नहीं है, इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी होती रहती है, ठीक है, तो इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये पूरा हो गया सोशल वर्क एज ए ऑक्यूपेशन। अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं सोशल वर्क को, ठीक है, जो नए चैलेंज आ रहे हैं, उसके बाद ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू न्यू चैलेंजेस, ठीक है, इसको हम कंक्लूजन में हमेशा लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पर क्वेश्चन अभी तक बना तो नहीं है लेकिन कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो अब देखो नए नए चैलेंजेस क्या हैं, तो एक मैंने चैलेंज बताया था कि आज जो कस्टमर चाहता है वो सेटिस्फेक्शन को बहुत चाहता है, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा जरूर होता है कस्टमर डिलाइटमेंट, ठीक है। तो कस्टमर डिलाइटमेंट का जमाना आ गया है जब से अपना LPG हुआ है, ठीक है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है घर वाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कस्टमर डिलाइटमेंट, तो उसकी क्या है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन एक्सपेक्टेशन को खड़ा करने के लिए उन चैलेंजों को के सामने सोशल वर्क में क्या रिस्पॉन्स करा, पर्टिकुलर इंडिया में क्या करा, ठीक है। तो हमें अब एक तरीके से सुझाव देने हैं, तो सबसे पहले हम करो तो सबसे ज़्यादा जरूर है अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे होगी, कम्युनिकेशन से, ठीक है। जब तक ये सोशल वर्क में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक सोशल वर्क नहीं बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन पढ़ते बढ़ेगा तो आप लिखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिससे आइडियाज़ का एक्सचेंज हो, बड़े बड़े प्रोफेसर आए, ठीक है ना, वो एक्सचेंज करें, कोई तो कहे कि इंडियन की केस स्टडी पे काम करो, ठीक है, तो इंडियन केस स्टडी पे काम करो, जैसे एग्जांपल मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, ठीक है, राइट्स का कैंप हुआ था, कोई उनके कैंप पे जाओ,
उनके कैंप में देखो कि वहाँ सोशल वर्कर क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें केस स्टडी में लाओ, यूनिवर्सिटी में उन केस स्टडी को चलाओ, ठीक है ना। और क्या करो, जितने भी सोशल वर्क की, ठीक है, जो नोट्स, जो जर्नल हैं, उनको ऑनलाइन करो, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म होती है SWIEND ET, ये लिख देना, खुश हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है, लिखो, सोशल वर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क, सोशल वर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क, सोशल वर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जितना भी वो है हार्ड कॉपी, उसको सॉफ्ट कॉपी मिलाओ, जिससे बच्चे एक क्लिक में मेरे वीडियो ना देख के फटाफट देख ले कि सोशल वर्क में क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है ना। तो इसी टाइप की चीज़ें बच्चा करना सीखे, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, उतना ये कोर्स और उतना अच्छा बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या करो, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट करो, ठीक है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट डालो, ठीक है। जैसे मान लो नर्मदा केस हो रहा है, ठीक है, नर्मदा केस में थोड़ा पुलिस को ना भेज के सोशल वर्कर की टीम को भेज दो, समझ में आ रहा है ना। मुल्ला परिया डैम है, ठीक है, माटी के टू डैम है, ये जितने भी इशू हो रहे हैं, इन सब में सोशल वर्कर को भेजो टीम को, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ नीति आयोग में भी एक सोशल वर्कर की टीम को रखो, कम से कम जो रिटायर्ड प्रोफेशनल हो रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सोशल वर्क के HOD डीन वीन, इनको उठा के नीति आयोग में डालो, इनको पता चलेगा कि कैसी किसी स्कीम को सक्सेसफुल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये करेंगे, आज नहीं करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, करेंगे जरूर, मैंने आज बोल दिया है, ठीक है ना। तो ये सब करने से क्या होगा, सोशल वर्क हमारे जो कोर्स है, ठीक है, कोर्स से ज़्यादा एक प्रोफेशन है, इसको ज़्यादा ज़्यादा क्या बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। तो वही रिस्पॉन्स टू न्यू चैलेंज, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ द नॉलेज, ठीक है, बाई सिविल सोसाइटी, मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी है, ठीक है ना, वो इसको सोशल सेंक्शन दे। और वो सोशल सेंक्शन देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो मैंने बताया था आपका, क्या बताया था मैंने, इंडियन सोशल वर्क एसोसिएशन था ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा पावर दो। कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स हो रहा है, तो इसकी एक सर्विलेंस होनी चाहिए कि वो कोर्स अप टू मार्क है, नहीं कि 6 महीने से 8 महीने तक बच्चा या 12 महीने तक ट्रेनिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्विलेंस भेजो, जो प्रोजेक्ट की कॉपी है, एक कॉपी प्रोजेक्ट की कॉपी इनके पास भी भेजो, कि पता चले कि बच्चे ने क्या किया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी, ठीक है, तो जो गैप आ रहा है ना, उस गैप को आप भर सकते हो, ठीक है। तो यही है, यही रिस्पॉन्स है हमें जो सोशल वर्क के लिए करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वे में भी और डिजायर मैनर में भी, ठीक है। इससे अगर आप सोच सकते हो तो मोस्ट वेलकम, आप सोच के इसमें कर देना। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें छूट गई थी, ये दोनों चीज़ें हो गई पूरी, दो लेक्चर। इसके बाद अब हम सीधे आ जाएंगे आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे। उससे पहले फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हों करो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को लिख के भेजो, स्टैंडर्ड आंसर ले लो और बन जाओ इसी साल, ठीक है। और इस इनिशिएटिव पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।